अभी मैं आपको राजू जी के पास लेके जा रहा हूँ। ये अपने टूल्स के बारे में आपको बताएंगे, कौन कौन से इनके पास टूल इसमें किट को करने के लिए ज़रूरत पड़ती है, और किट के बारे में भी डिटेल देंगे। अभी राजू जी बताइए आप, ये आपके पास कौन कौन से यहाँ पे टूल हैं? ये ये हेक्सा है, आपका हेक्सा हो गया, ये हेक्सा चाकू से है, आप क्या करते हैं थोड़ा बताइए, डिटेल में बताते इसको रहिए केवल भी काटते हैं, आर्मर कटिंग भी करते हैं, जी। और ये चाकू है, जी ठीक है, ये प्लायर है, ठीक है, ये केबल कटर है, ठीक है, ये इंसुलेशन कटर है, इंची ठीक है, टेप है, ठीक है, फाइल है, फाइल ठीक है, को यूज करते हैं हम पंचिंग का, कहीं बाबरी आ जाती है तो उसको प्लेन करने के लिए, ठीक है। और ये हथौड़ी है, जो सिलेंडर रखा हुआ है इसके बारे में बताइए, और ये जो आपने, एलपीजी सिलेंडर है 2 केजी का इंडस्ट्री, ठीक है, इसके ऊपर पीतल का रेगुलेटर है, पीतल के रेगुलेटर के साथ एनआरबी है, हाँ, उसके बाद गैस टॉर्च के तो आपने पीछे, ये दोनों साइड में आर्क फ्लैश अरेस्टर लगा रखा है, जी इसके बेनिफिट्स बताइए। बेनिफिट ये होते हैं, सपोज अगर कोई यहाँ कोई दुर्घटना या कोई आग वाग लग गई तो बैक नहीं जाएगी, टोटल इसको बाहर ही रहेगा, फ्लैश को अरेस्ट करेगा ये, यस राइट, हमारी कोई भी दुर्घटना को जी जी बचाता जी है, इसके लिए होता है हाँ, ये, सिलेंडर में आग नहीं ठीक है। जाएगी, अब आप अपना प्रोसीजर स्टार्ट करिए, कैसे क्या करेंगे जी आप सर, बताइए। सबसे पहले आप मेजरमेंट लेते हैं, है ना? मेजरमेंट ले सबसे लीजिए, पहले हम लोग मेजरमेंट लेते हैं, इसमें हमारे टू टाइप्स का मेजरमेंट रहता है, एक साइड हमारा अप्रॉक्स 1 मीटर रहता है, दूसरी साइड 600 mm रहता है, वो एज़ पर किट का जो भी मैनुअल है उसके अकॉर्डिंग हमें करना होता है। तो अभी इन्होंने मेजरमेंट लिया है वन साइड 1 मीटर का, जिधर ये अपने स्लीपर्स को रेस करेंगे ना, आपको क्या बोलते हैं आप इसको, पैकिंग बोलते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हम ये सेल पैक की किट यूज़ कर रहे हैं, ये केबल का साइज़ जो है 3x300 square mm है, और इसी के साथ हमने इसका थ्रो ज्वाइंट किट लिया हुआ है सेल पैक कंपनी से, ये एक रिप्यूटेड ब्रांड है। और अब ये आगे इसके किट को ओपन करके बताएंगे राजू जी, फर्स्ट स्टेप क्या है बताइए। जी फर्स्ट स्टेप ये है, हम इसमें सपोर्टिंग डाल रहे हैं, ठीक है, दो सपोर्टिंग आते हैं, एक उस साइड एक इस साइड, तो ये सपोर्टिंग हमको पहले डालना पड़ता है ताकि जो है हमारा जो है इजीली बैक फोल्ड हो जाए, ठीक है, ठीक है। अब मैं इसको कटिंग मारूंगा बैक फोल्ड के लिए, ठीक है, अभी ये इन्होंने कट लगा दिया है राजू जी ने, और ऑलमोस्ट आर्मर हमारा बाहर आ गया है। अब ये इसको फिक्स कर रहे हैं सपोर्ट को। ये देखिए, ये इसको सपोर्ट को, आर्मर सपोर्ट को फिक्स कर रहे हैं। इस तरीके से ये फिक्स कर दिया जाता है। ये क्लैम्प जुगली क्लैम्प है, जुबली क्लैंप है, इसका क्या अर्थिंग करेंगे को, राजू जी? अर्थिंग को टाइट करेंगे, वेरी गुड, अर्थिंग स्टेप ये है, ठीक है, जी एक पीछे देना पड़ेगी आपको, ये इसकी इंसुलेशन अब हम निकाल रहे हैं, ताकि हमारा जो कंडक्टर है उनको हम तीनों को सेग्रेट कर लेंगे स्टेप बाय स्टेप। ये देखिए, इनके हेल्पर के पास में ये आउटर जैकेट है, अब हमने इसको अनस्लीव कर दिया है, तो अब हम इस आउटर जैकेट को इंसर्ट करेंगे, मगर उससे पहले हम क्या करते हैं, ये आर्मर्ड है राजू जी, 1 मिनट हटाइए, जो कि अभी हमने इसे ट्विस्ट किया था बैक साइड में, तो इसको कवर कर देते हैं क्लॉथ से, ताकि अब जब हम आउटर जैकेट डालेंगे तो उसको डैमेज ना कर दे, है ना। ये देखिए, आउटर जैकेट अब हमारी इस साइड आ गई है, इसको हमने कुछ नहीं, जस्ट इसको इससे क्रॉस करा के इस साइड रख दिया है। उसकी भी आर्मर कटिंग करवाऊं? हाँ जी, शुरू कराइए आर्मर कटिंग इसकी भी। देखिए, ये इसकी इंसुलेशन को निकाला जा रहा है नाइफ के थ्रू, ये देखिए, अब इसके आर्मर को कट किया जाएगा, फिर बैक फोल्ड के लिए वही रिंग पहना के बैक फोल्ड करेंगे। ये दूसरा एंड है केबल का, जो कि दूसरे ड्रम से निकला हुआ है। ये हमारा फिलर्स को भी काट रहे हैं, ताकि कंडक्टर में सेपरेशन कर पाए,
जो तीन कोर हैं इसकी, इसके बीच में फिलिंग्स के लिए ये इंसुलेशन टाइप दिया जाता है बेडिंग टाइप के लिए। ये इसको काट के अलग कर रहे हैं इस तरीके।